السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج کے اس پروگرام کے سبھاپتی صاحب، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ واعظ کا سبھا اور یہ پروگرام ڈبکا ٹاؤن میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہو جائی کے ساتھ شاید کہیں ٹاؤن کا لفظ لکھا ہوا ہے یا نہیں، لیکن ڈبکا ٹاؤن ہے. بہت دنوں کے بعد مغرب کی نماز میں نے بڑی مسجد میں پڑھی، اور اس کے بعد جب آپ کی مسجد میں آیا تو ماشاء اللہ بزنس کا، تجارت کا سینٹر بن گیا ہے یہ، اور بہت ساری دکانیں، نئے نئے شاپ اور دکان کھلی ہے، کاروبار لوگ کر رہے ہیں. میں دل میں یہ سوچ کر آیا تھا، بلکہ حضرت مولانا مشتاق انفر صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء آسام اور محتمیم جامعہ اسلامیہ جلالیہ حجائی آسام، جب وہ ماں باپ کے حقوق کو بیان فرما رہے تھے اور بڑے اچھے انداز میں ماں باپ کا کیا کیا حق ہے، اور لڑکوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک، کیا ویوہار کرنا چاہیے، تو سچی بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بہت اچھا ہوا حضرت نے ایک سائیڈ کو بیان فرمایا، میں دوسرا جو سائیڈ ہوتا ہے کہ جو آپ کا لڑکا بچہ ہے، شنتان ہے، سیلے میں اپنی اولاد کا اور اپنے سنتان کا ماں باپ پر کیا حق ہے. یہ بات میرے ذہن میں خاص طور پہ اس لیے آئی تھی کہ آج مارچ کی 10 تاریخ ہے، 2 روز پہلے 8 مارچ کو انٹرنیشنل پیمانے پہ پوری دنیا اور پورے سنسار کے اندر وومینس ڈے منایا جاتا ہے، مہیلا دیوس، یوم خواتین، اور اس سے اور 10 روز پہلے فروری کی 25 تاریخ کو گجرات کے احمد آباد میں ایک جو گھٹنا ہوا اور پورے سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے، عائشہ نام کی ایک لڑکی جس نے اپنے شوہر کے ستانے،
दुख देने तकलीफ पहुंचाने को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बिल आखिर साबरमती नदी के अंदर आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी कर ली। खास करके सब नौजवानों ने टीवी के ऊपर भी देखा होगा और व्हाट्सएप फेसबुक तो इस घटना से पूरा भरा हुआ है। इसलिए मेरे जहन में ये बात आई थी कि मैं मां बाप के ऊपर क्या दायित्व और क्या जिम्मेदारी है अपनी औलाद के बारे में, औलाद की तरबियत और परवरिश के सिलसिले में मजहब इस्लाम हमको क्या डायरेक्शन देता है, क्या शिक्षा और तालीम देता है, क्या सिखाता है। खैर, मैं कोशिश करूंगा दोनों बात मुख्तसर और शॉर्ट आप हजरात के सामने आ जाए। मेरे नौजवान साथियों, इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो जब तक वो बच्चा रहता है और उसके पढ़ने का लाइफ रहता है, मां बाप के सहारे पर वो ऐश करता है, जिंदगी गुजारता है। जब बड़ा हो जाता है, घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, तो अब माल कमाने का चिंता और फिक्र सवार हो जाती है। रात दिन ये टेंशन और चिंता रहता है कि हम कैसे माल कमाएं, कहां से माल लाएं, अपने फैमिली मेंबर की जरूरियात को कैसे और कहां से पूरा करें। इसके लिए आम तौर पे या तो लोग बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं या फिर खेती बाड़ी करते हैं। बहरहाल माल कमाना, चाहे बिजनेस के जरिया हो, चाहे कारोबार सर्विस के जरिया हो, जैसे भी हो, हर आदमी माल कमाने की कोशिश करता है। हम ये देखें कि मजहब इस्लाम ने, इस्लामी शरीयत ने मालदारों के लिए, माल वालों के लिए, जिनके पास माल है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, इनके लिए कुरान और हदीस ने क्या बयान किया है। चुनांच कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के एक बहुत बड़े मालदार, बड़ो मालदार, जार नाम कारून, कारून के खजाने को और कारून की प्रॉपर्टी को बयान किया कि वो इतना बड़ा मालदार था, उसके पास इतना माल था, इतना माल था कि उसके खजाने की, उसके गुडाउन की जो कुंजी थी, चाबी थी, उस चाबी को उठाने के लिए 100-200 लोग चाहिए। इतना ज्यादा उनका गुडाउन और पूरा गोदाम माल से भरा हुआ और इतना बेसी उनके पास प्रॉपर्टी था। अल्लाह तबारक वताला ने उनके माल को, उनकी प्रॉपर्टी को बयान किया और उसके बाद चार नसीहत किया, चारटा खोता बयान कराओ इसे। एजे खासकोरिया कारूनेर जुन्ने चारटा खोता ऐसे मुफस्सिरीन किराम बयान कर सुन के कुरानेर भीतरे कोनो कोनो समय कोनो खास घटना हुईले अल्लाह आयत को, सूरत को नाजिल करता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ खास घटना पर आलोचना करना, खास घटना के बैकग्राउंड को बयान करना, सिर्फ इतना छोटा उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि कुरान करीमेर भीतरे जो तो आयत आसे, जो तो सूरत आसे, समस्त आयत और समस्त सूरत, बल्कि एक एक वर्ड, एक एक हर्फ कयामत तक आने वाले समस्त इंसान और मानव जाति की नसीहत और हिदायत के लिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मालदारों को चार नसीहत की, जिनके पास माल है, दौलत है, वो चार नसीहत और चट्टा होता
हमेशा याद रखते लगे। नंबर एक, अल्लाह ताला ने फरमाया वबतगी फीमा आता तल्लाहु अद्दारल आखिरा। ऐ इंसानों, ऐ मानव जाति, अल्लाह ने तुमको जो भी माल दौलत प्रॉपर्टी संपत्ति दिया, उस संपत्ति के अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ अंशों और कुछ हिस्सा आखिरत के लिए तुम स्पेशली उसको अलग करके रखो, आखिरत में काम आने के लिए तुम इस दुनिया में अपनी प्रॉपर्टी का एक स्पेशल अंशों अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वब्तगी फीमा आता कल्लाहु दारल आखिरा। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करोगे क्या मिलेगा? दो बात मैं आपके सामने बयान कर दूं, एक तो खुदा कुरान का की और एक बात आजकल के माहौल के हिसाब से। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में माल खर्च करने वाले की फजीलत को बयान किया। मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? अल्लाह ने फरमाया مَثَلُ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ। जे मानुष, ए दुनिया, एक ता दाना, एक चावल, एक गेहूं, एक धान, एक चना अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह ने फरमाया कि उसको कम से कम 700 गुन बेसी खर्चा करने का सवाब मिलेगा। उदाहरण देकर समझाया कि जैसे जेरोकम कृषक, फार्मर, खेती करने वाला जब खेती करता है, धान की खेती करता है, एक धान की बीज, एक धान का एक गाछ अपने खेत में लगाता है, एक का गाछ खेत में लगाता है और वही गाछ, वही पौधा जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद इतना मोटा हो जाता है और उसके बाद में ऊपर जाकर उस एक पौधा और एक गाछ से सात बाली निकलती है, सातटा हीजा हो, आपकी जबान में हीजा बोलते हैं, सात बाली निकलती है, सात हीजा, और प्रत्येक का हीजा 100 दाना, ते सात हिजा ओले 700 दाना, एक धान खेत में लगाया था और उसके बदले में 700 दाना और 700 धान मिल गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे रास्ते में अगर अपना माल खर्च करोगे, मेरे रास्ते में जो दी निजोर माल तुमरा फरज करो, ते कयामतेर दिन एक टका ओ दुनिया जो दी फरज कर सो तो निश्चय कम से कम 700 गुन बेसी सवाब मिलेगा और इससे ज्यादा जितना मिल जाए वो अल्लाह की मर्जी। नंबर एक, इतना लाभ है। नंबर दो, मैं आपको एक मशहूर आदमी, हमारे देश के करीब एक देश है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वहां दावत और तबलीग के एक बड़े जिम्मेदार साथी थे, जुनैद जमशेद। आज से 3-4 साल पहले हवाई जहाज फ्लाइट क्रैश हुआ और उसके अंदर वो शहीद हो गए थे। जमात में वक्त लगा रहे थे जुनैद जमशेद, और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका करा दूं, परिचय करा दूं। एक जमाने में वो बहुत बड़ा सिंगर था, इंग्लिश गान गाता था, उर्दू का गाना गाता था, यूरोप कंट्री के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर जाकर एक एक रात में लाखों लाखों डॉलर वो कमाता था। ये हजरत मौलाना मुश्ताक साहब दामत बरकातुम, जो अभी आपके यहां वास करके गए, इनके घर दुबई में आए, मेरी मुलाकात उनसे दुबई में भी हुई और उसके बाद मैं हज में था 2006-07 में, वहां पर भी मुलाकात हुई, बाज़ाब्ता उन्होंने बयान किया। तो और आजकल यूट्यूब में उनका नात बहुत मशहूर है, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, आप भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो ये जुनैद जमशेद जब तक सिंगर था, लाखों लाख एक नाइट में, एक रात में वो इनकम होता था, कमाता था। जब वो दावत और तबलीग के काम के साथ जुड़ गया
अब तो सिंगर का काम बात दे दिया, गाना बजना सब छोड़ दिया, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना शुरू किया। तो कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई सर्विस नहीं, पैसा कहां से आएगा? अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद कुछ तो खर्च भी है, कहां से आएगा? अब उन्होंने अपना एक बिजनेस आरंभ किया एक पार्टनर के साथ मिलकर, किंतु कभी बिजनेस किया हुआ नहीं था, तजर्बा नहीं था, तो बिजनेस में डाउन ही डाउन होता था, लाभ होता ही नहीं था। एक जन बड़ो आलिम, ओई देशेर आलिम, एक जमानत उन्हीं चीफ जस्टिस असला, उनार खासे गिया कोई सुन के हुजूर अमी की रकम बिजनेस करतम, अमी बिजनेस करते सी किंतु अमार बिजनेस टा सक्सेस होई ना, मेरा कारोबार कामयाब नहीं होता है, मैं क्या करूं? हजरत ने फरमाया तुम इखला कारोबार करो नी तुम्हार पार्टनर आसे। ताइन कोई सुन के अमार आर एक जन पार्टनर आसे, अमरा दुई जन मिलिया बिजनेस करते सी। हजरत ने फरमाया कि आज के बाद से तुम्हार आर एकटा पार्टनर करो। एखन तो तुमरा दुई जन, आज के तक ही तुमरा दुई जन नाय, तुमरा तीन जन, तीन नंबर पार्टनर के होइबो। हजरत ने फरमाया कि तीसरा पार्टनर अल्लाह को बना लो, तीसरा पार्टनर अल्लाह को बना लो। अल्लाह को पार्टनर बनाने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा 33%, तुम्हारे पार्टनर का 33% और अल्लाह का भी 33% या 34%, यह मतलब नहीं है। बल्कि अल्लाह को पार्टनर बनाने का मतलब यह है कि तुम्हारा जितना लाभ होगा, जितना इनकम होगा, जितना फायदा होगा, उसमें तुम निर्दिष्टो कर दो, तुम एक मिकदार मुतायन कर दो, फिक्स कर दो, 1%, 2%, 0.5%, मैं अपने इनकम से, अपने लाभ से अल्लाह के रास्ते में निकालूंगा, गरीबों की, यतीमों की, मस्जिद मदरसा की, और इस तरह से बिछड़े लोगों की, फकीरों की मैं मदद करूंगा। 1%, 0.5%, 2%, जितना भी तुम तय कर सकते हो उतना तय कर लो, किंतु तय करने के बाद, फिक्स करने के बाद कभी बेईमानी मत करना। अल्लाह तो देख रहा ना, नौजबिल्ला, हाँ मैं कितना खर्चा किया नहीं किया किसको पता चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। जुनैद जमशेद ने उसी दिन वादा किया कि आज के बाद से मेरे कारोबार का, मेरे बिजनेस का तीसरा पार्टनर अल्लाह को मैंने बनाया, और प्रत्येक डेली के डेली मैं अपने इनकम से अल्लाह के रास्ते में 1% खर्च करूंगा। जुनैद जमशेद साहब ने बाद में मौलाना को रिपोर्ट दिया, और जब रिपोर्ट दिया तो कहा कि हजरत जिस दिन से मैंने अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में अल्लाह को पार्टनर बनाया है, उस दिन से हमारा कारोबार इतना तरक्की और इतना आगे बढ़ रहा है कि मैं अपने हाथ में अगर माटी लेता हूं, पत्थर लेता हूं, तो अल्लाह का करम है कि वो सोने के दाम में बिकता है, इतना फायदा हुआ। ये बात और ये घटना मैंने आपके सिलचर में, एक हमारे चौधरी साहब है, बड़ा कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है, उनके सामने मैंने बयान किया, उनके घर में मेहमान हुआ था, हज में वो मेरे साथ थे, वो उनकी वाइफ, उनका बच्चा, ए बच्चा, ए खामोश, हाँ मैंने बयान किया, मैंने कहा कि भाई आपके कारोबार में भी अल्लाह खूब खूब लाभ देगा, आप भी ऐसा ही करो। कुर्बान जाइए, आज भी नौजवान ऐसे हैं, आप लोगों के अंदर भी ऐसे लोग होंगे, नहीं है तो अल्लाह ताला सबको ये जज्बा आता फरमाए, आमीन बोलिए, सबको अल्लाह ये जज्बा आता फरमाए। वो नौजवान आदमी मुश्किल से 30-35 बच्चर उसका वयस होगा, करोड़ों का वो कारोबार और बिजनेस करता है। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ये घटना मैंने सुना था, और जिस दिन मैंने सुना उसी दिन से मैंने 2% अल्लाह के नाम पर निकालना आरंभ कर दिया। 2-3 साल से मेरा रूटीन है कि जितना भी मेरा इनकम होता है या जितना मेरा सेल होता है उसमें से 2% मैं अलग कर देता हूं। फिर उन्होंने जो बताया बहुत ताज्जुब की बात, नेकी को सुनिए और अमल की नीयत से सुनिए। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब
अमी तो 2% बार खोरी, किंतु फिर उसमें मैं दो हिस्सा लगाता हूं, 1% मैं गरीब यतीम मिस्कीन मस्जिद मदरसा में खर्च करता हूं, और 1% मैं अपने हज उमरा के लिए जमा करके रखता हूं। हज उमरा के लिए जमा करके, ये जकात का माल नहीं है, ये तो अपनी खुशी से निकाल रहा। 1% हज उमरा के लिए मैं जमा करके रखता हूं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रत्येक बच्चों रमजानों खसकुरिया अमी कोनो बच्चों अमी एकला और कोनो बच्चों अमी वाई प्रे लुइया, मैं उमरे में जाता हूं। मेरे साथ तीसरे साल जो आखिरी हज हुआ उसके बाद कोरोना हुआ, वो अपनी वाइफ को और 4 साल का अपना लड़का था उस लड़के को लेकर तीनों हज में गए थे, और वो भी प्राइवेट से कलकत्ते का एक टूर, एक आदमी का कम से कम 6 लाख रुपए खर्चा हो रहा था। उन्होंने बताया कि तीनों आदमी हज करने के लिए आए हैं, अलग से अल्हम्दुलिल्लाह एक नया पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ, 1% मैं जो अलग करके रखता था उसी से हम सबका हज हो गया। मेरे नौजवान साथियों, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, अल्लाह ने जितना भी दिया, कोई जरूरी नहीं कि मुश्ताक अनफर साहब की तरह दौलत हो जाए, बदरुद्दीन अजमल सिराजुद्दीन अजमल की तरह दौलत हो जाए, कोई जरूरी नहीं। गरीबाना सूरत में जितना भी इनकम होता है डेली के डेली, या जब भी आप हिसाब करते हैं, जब भी आप अपने दुकान का हिसाब करते हैं, जो लाभ हुआ उसमें से 1% 2% आपका जो भी दिल चाहे उसको अलग करके रखिए, इंशाल्लाह कारोबार में तरक्की होगी, लाभ होगा, फायदा होगा। यहां रुककर और एक बात बता दूं, जब मैं नौजवानों को बिजनेस करते हुए देखता हूं, कारोबार करते हुए देखता हूं, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। इसलिए कि इस्लाम कारोबार की तालीम देता है, शिक्षा देता है, कारोबार करने वाले को आगे बढ़ाता है। और जो आदमी बिजनेस नहीं करता है, कारोबार नहीं करता है, सर्विस भी उसको नहीं मिला, थोड़ा सा कोई मजबूरी आ गई, परेशानी आ गई, कभी उमुक मालदार के घर में जाएगा, कभी उमुक हाजी साहब के घर में जाएगा और जाकर मदद मांगेगा, हाथ फैलाएगा, भिक्का करेगा। मेरे नौजवान साथियों, हदीस के अंदर भीख मांगने वाले भिक्का करने वाले को बहुत ज्यादा लानत की गई है, और भिक्का करने वाले के बारे में कयामत के दिन बहुत सख्त एक जुमला आया है हदीस के अंदर। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि पूरा एक घटना है, एक अंसारी नौजवान सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और जाकर कहा कि हुजूर अमी बड़ो गरीब मानुष, अमार बाड़ी खावर किच्छू नाय, अमी एक बारे मोहताज हुई जिसी, अपने अमारे किच्छू मदद करो का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना, ऐसे नहीं होगा, तुम्हार बारी कोनो सामान नहीं, कोनो वस्तु नहीं, तैन खोइला कि अमार बारी एक ता मोटा चादर आसे, वही चादर में पहनता हूं, उसी चादर को रात में जरूरत पड़ने पर ओढ़ लेता हूं, आर बारी एक ता बाटी आसे कटोरी आसे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जाओ और जाकर वो बाटी लेकर आओ, कटोरी लेकर आओ। आपने सहाबा के दरमियान में उस बाटी को फरोख्त किया, सेल किया, भाई मैं यजीद जुमा के दिन जैसे डीम आ जाता है, कोदू आ जाता है, मुरुग आ जाता है, तो उसका नीलाम करते हैं, इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाटी को बेचा 2 दिरहम में, एक सहाबी ने वो बाटी और वो कटोरी खरीदा। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान सहाबी से कहा, ये एक टाका 1 दिरहम तुम लो और जाओ खाने पीने का कुछ सामान लाओ और अपने घर के अंदर बीवी बच्चे को वो खाने के लिए दे दो, और जो एक टाका उससे 1 दिरहम है तुम वो लेकर बाजार में जाओ और उससे एक कुल्हाड़ खरीद के लाओ, जिसको कुल्हाड़ी कहा जाता है, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ खरीद के लाओ। वो नौजवान सहाबी गए, उन्होंने ऐसा ही किया, कुल्हाड़ खरीद के लाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस कुल्हाड़ के अंदर अपने हाथ से बादा लगाया, आपकी जबान में दस्ता और आप लोग बादा बोलते हैं, वो डंडा लगाया। भाई आवाज थोड़ा कम करो ना, क्यों ये टुन टुन कर रहा है। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजूबक सहाबी से कहा, ये कुल्हाड़ लो, जंगल में जाओ और जाकर लकड़ी का तुम बिजनेस करो, लकड़ी फाड़ के लाओ और बाजार में लाकर सेल करो, और खबरदार खबरदार दुई सप्ताह परजंतो तुम्ही अमार सामने आइयो ना, दुई सप्ताह बादे तुम्ही अमारे आइया रिजल्ट दियो कि तुम्हार बिजनेसर भितरे को तो टुक लाभ होइसे। वो सहाबी, वो अंसारी सहाबी गए जंगल में, जाकर दो हफ्ते तक उन्होंने लकड़ी फाड़ कर मार्केट में लाकर सेल किया। दो हफ्ते में अल्लाह ने करम किया, 10 दिरहम उसको इनकम हुआ, 10 टका उसकी आमदनी हुई। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा कि ये 10 रुपया मैंने कमाया है, आप अगर ये सुझाव ना देते, ये मंसूबा, ये तरीका, ये सिस्टम ना बताते, तो मैं आज आपके पास भीख मांगता, कल और किसी के पास जाकर भीख मांगता, और कभी किसी के पास जाकर भीख मांगता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने व्यवसाय किया, मैंने तिजारत किया और 10 रुपया मैंने कमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उस नौजवान सहाबी का हौसला बढ़ाते हुए जो फरमाया, मेरे नौजवान साथियों वो जुमला सुनो, नसीहत हासिल करो और पेशा के अंदर खूब आगे बढ़ने की फिक्र करो, चिंता करो, कोशिश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादिही खैरुल लका मिन अंतजी अल मसअलतु नुक्तातन अला वजहिका यौमल कियामा औ कमा قال अलैहि सलात व सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ नौजवान, यदि तुम भिक्का करते रहता, भीख मांगता, कयामत के दिन अल्लाह ताला जब सब मानुष को दोबारा जिंदा करेगा, तो एक जगह पर कुछ लोग खड़े होंगे, किच्छु जन मानुष होइबा, और सबेर मुखेर उपरे, सबके चेहरे के ऊपर निशानी होगी, दाग होगा, लोग देख के पहचान लेंगे कि वो आदमी जो वहां पर खड़ा है और जिसके मुंह में दाग लगा हुआ है, निशानी पड़ा हुआ है, वो आदमी वो है जो दुनिया में भीख करता था, भीख मांगता था, भिक्का करता था। कयामत के दिन दूसरा लोग देख के पहचान लेगा कि तुम भिखारी था, अब तुमने भिक्का का काम नहीं किया, अल्लाह ताला तुमको भिखारी के गुट में और भिखारी की जमात में नहीं रखेगा, दूसरी जमात में तुमको रखेगा। मेरे नौजवान साथियों, जब मैंने इस हदीस को पढ़ा और जब यह हदीस मुझे याद आती है, तो खास करके वो नौजवान जो अगर का कारोबार करते हैं और अगर का बिजनेस करते हैं, कभी भूटान के जंगल में चले जाते हैं, कभी इम्फाल के जंगल में जाना हो जाता है, या और कहीं त्रिपुरा के जंगल में कभी चले जाते हैं लकड़ी के तलाश में, जब वो लकड़ी तलाश करने के लिए, माल तलाश करने के लिए जाता है, तो ये हदीस मुझे याद आ जाती है। अल्लाह करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को लकड़ी का कारोबार करने के लिए जो कहा था, हमारे नौजवान भूटान के जंगल में जाकर, श्रीलंका के जंगल में जाकर, या इम्फाल के जंगल में जाकर, नागालैंड के जंगल में जाकर, या और कहीं भी जाकर अगर का लकड़ी तलाश करके हलाल तरीके से जो आमदनी करता है, इंशाअल्लाह उस सहाबी को जो सवाब मिला था, हमारे इन नौजवानों को भी वो सवाब मिलेगा। इसी तरह एक रिवायत में आता है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अनु, मैं हदीस सुना रहा हूं, किसी बुजुर्ग का या अपना कोई घटना नहीं, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अनु, उनके वालिद, उनके अब्बा शहीद हो गए, अल्लाह रास्ता जुद्दो फुरते फुरते मारा गिसन, और हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अनु के घर में 6 बहन थी या 7 बहन थी, एकुन एकला बारित 6 जन बा 7 जन बोइन, कमाने वाला, इनकम करने वाला कोई नहीं, अकेला हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अनु। तो उन्होंने बिजनेस आरंभ किया, क्या बिजनेस आरंभ किया, जूता की सिलाई करता था, सैंडल सिलाई करता था, जूता बनाता था, सैंडल बनाता था। जब जूता और सैंडल की सिलाई करेगा
तो कभी हाथ में लगेगा, उंगली में लगेगा और रक्त तो निकलेगा, हार्ट टाइट हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन मुलाकात हुई, मुसाफा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में जब हाथ दिया और मुसाफा किया तो आपने फरमाया, ऐ जाबिर, तुम्हारा ये हाथ टाइट कैसे हो गया, ये सख्त तो कैसे हो गया, ये तो बड़ा नरम था, सॉफ्ट था, ये टाइट कैसे हो गया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई सुन के हुजूर आगे तो अमी कोनो काम खुर्सी ना, बाबा मारार कोरे एफन अमी जूता सिलाई कोरी, सैंडल सिलाई कोरी, इसी कारण से हमारा हाथ टाइट हो गया, सख्त हो गया। मेरे नौजवान साथियों, मुबारक है आप लोगों के लिए, खुशकिस्मती है आप लोगों के वास्ते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ को पकड़ा, चुम्मा दिया और चुम्मा देकर कहा के हादिही यदुन ला तमस्सहुन नार अबदा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह कसम खैया खैयर, ऐ जाबिर, तुम अपने हाथ से इनकम करता है, तुम अपने हाथ से कमाता है, ये हाथ कभी जहन्नम के आगुन में नहीं जलेगा, जहन्नम के आगुन में नहीं जाएगा। मेरा नौजवान, खास करके इस इलाके में जब बटाली मारता है, ऊद की सफाई करता है, मैं अल्लाह के घर में बैठकर कह रहा हूं, यह हदीस मुझे याद आती है और दिल में यह ख्याल आता है कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अनु जूता की सिलाई करते थे, हाथ में रक्त तो निकल जाता था, हाथ टाइट हो गया था। नौजवान लड़का अपने माँ बाप का खर्चा बर्दाश्त करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर की जरूरत को पूरा करने के लिए अगर की ऊद की सफाई करता है, बटाली चलाता है और उसकी वजह से कभी खून निकलता है, ब्लडिंग हो जाता है, हाथ सख्त और टाइट हो जाता है, इंशाअल्लाह हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ भी जहन्नम में नहीं जाएगा और आप नौजवानों का हाथ भी जहन्नम के आगुन में नहीं जाएगा। जहन्नम की आगुन कभी भी आपके हाथ को नहीं जला सकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, व्यवसाय करो, कारोबार करो, माल कमाओ और अपने माल का एक अंश अल्लाह के रास्ते के लिए फिक्स कर दो, और अल्लाह के रास्ते में जो फिक्स करोगे उसके अंदर बेईमानी मत करो, हमेशा अल्लाह के रास्ते के लिए निकाल दिया करो। नंबर एक नसीहत, वबतगी फीमा आताक अल्लाह, वबतगी फीमा आताक अल्लाह दारल आखिरा। दूसरी नसीहत अल्लाह ताला ने किया, वला तंसा नसीबक मिनत दुनिया, वला तंसा नसीबक मिनत दुनिया। ऐ व्यवसाय करने वाले, ऐ कारोबार करने वाले, ऐ तिजारत करने वाले, अल्लाह ने तुम्हारा जो हिस्सा दुनिया में फिक्स कर दिया है, तुम उसको हासिल करने में सुस्ती, गफलत और कोताही मत करो। हाँ, आज के काज करते करते हैरानी लग से, आर आज के काज करतम ना, यह घुमाई जाइतम। हाँ, इस्लाम नगर गया, डेली का आपका रूटीन था कि 10 बजे से 3 बजे तक इस्लाम नगर में रहना है, माल लेना है, माल बेचना है। डेली आप, सपोज एक उदाहरण दे रहा हूं, 801,000 रुपये अगर आप इनकम करते थे, एक दिन गया आपने माल लिया और बस एक दाग का माल लिया, बेचा, आपको 2,000 लाभ हो गया, 2,000 लाभ हो गया। 2,000 लाभ होने के बाद कोई कोई नौजवान ऐसा है दिल में ये सोचता है, आज के बहुत आर व्यवसाय और दरकार ना है, हाँ, आज के जाएगी अबारी। मेरे नौजवान साथियों, ऐसा मत करो। आपने अपने बिजनेस के लिए, आपने अपने कारोबार व्यवसाय के लिए जो टाइम फिक्स करके रखा है, नमाज की पाबंदी के लिए जो वक्त है वो अलग है, अपना तो है ही, नमाज पढ़ना है, दुआ दुरूद करना है, और बिजनेस के लिए जो टाइम फिक्स करके रखे हैं, आपका काम ड्यूटी करना है, आपका काम माल लेकर बाजार में चला जाना है, उसको सेल कराना और उसके अंदर लाभ कराना, ये अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 जितना भी हो जाए, आप पूरी ड्यूटी कीजिए और पूरा टाइम अपने कारोबार में लगाइए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलात व सलाम एक जन बड़ो मशहूर नबी आसला, किताबे वितरे तान संपर्क के बहुत बहुत भयानक घटना गुला बयान कराओ इसे। उनका पूरा जिस्म में, शरीर में घाव हो गया था, जख्म हो गया था, कीड़ा लग गया था, पूक लग गया था, अलग अलग घटना है। बहरहाल जब सुस्त हो गया, हेल्थी हो गए, तंदुरुस्ती हासिल कर लिया, तो एक दिन
वो अपने बारी के अंदर किसी किताब में लिखा है कि नमाज पढ़ रहे थे, और किसी किसी किताब में लिखा है कि वो गुसुल कर रहे थे, गा धो रहे थे। उसी टाइम में मेघ फोड़ा आरंभ हुई से, उस समय मेघ फोड़ा आरंभ हुई से, किंतु मेघ फोड़ते समय पानी फोड़े ना, बल्कि ऊपर से सोना और चांदी का, रूपा का, सोना का छोटा छोटा टुकड़ा गिर रहा था, टुकड़ा गिर रहा था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी नमाज को जल्दी से पूरा किया और पूरा करके अपने घर के बाहर गए और जाकर माल को, सोना चांदी को जमा करना शुरू कर दिया, जमा करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने आवाज दी, ए अय्यूब तुम्हार की तो सबर नहीं, तुम्ही तो बड़ो नबी, क्या तुमको सबर नहीं है नमाज छोड़कर, इबादत छोड़कर, और तुम माल जमा करने में लग गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह मैंने आपकी इबादत कंप्लीट कर ली, इबादत कंप्लीट करने के बाद आपकी नेमत, आपकी दौलत, आपकी रहमत मेरे घर में आ रही है, और मैं इसको जमा ना करूं, मैं इसको अपने हाथ से ना उठाऊं, ऐ अल्लाह अमी अपना नेमत ताकि महरूम हो तमनी, मैं आपकी नेमत से महरूम नहीं रहना चाहता हूं। अल्लाह आपने इतना संपत्ति दिया, माल दौलत दिया, हम इस पर आपका शुक्र अदा करते हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, माल ला तनसा नसीब का मिनत दुनिया, अल्लाह ने जितना आपके लिए लिख दिया है उतना हासिल कीजिए, व्यवसाय के अंदर, कारोबार के अंदर अपना टाइम लगाइए, कभी दिल में ये ख्याल मत लाइए, ओए माशा तो बहुत बेसी काम हुई किसे, माशा अल्लाह बहुत माल कमाई लीसी, आर ए माशा बिजनेस करार दरकार ना, चलो शिलोंग जाते हैं घूमने के लिए, कुल्लू मनाली जाते हैं, कश्मीर जाते हैं। मेरे भाइयों ऐसी सोच बिल्कुल नहीं लाइएगा, अपना काम है, काम करना, बरकत देना अल्लाह का काम है। वला तंसा नसीबका मिनत दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, तीसरी नसीहत है कि अल्लाह ने जब तुमको माल दिया, मालदार बना दिया, चाहे जैसा भी माल है तुम्हारे पास, सोना चांदी रुपया पैसा जो भी है, हलाल तरीके से तुमने कमाया, तो तुम लोगों पर एहसान करो, लोगों के साथ दया का, माया का, करम का, रहम का मुआमला करो, और अल्लाह को मत भूलो। पराय देखा जा, पराय देखने में मिलता है, जब आदमी गरीब होता है, व्यवसाय आरंभ किया, थोड़ा थोड़ा कारोबार कर रहा था, बिजनेस डाउन था, नहीं चल रहा था, कोई मौलाना साहब आता था दूर से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इमाम साहब बला सुनी, अबका सा खैतम, अबका पान खैतम, चाय पान की दावत देते थे, किसी मुरब्बी को आते हुए देखा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हाजी साहब दुआ फरमा, हाँ आइए चाय पीते हैं, पान खाते हैं, उनकी दुआ, उनकी दुआ की बरकत, किसकी दुआ लगी अल्लाह ही बेहतर जानता है, उनकी दुआ की बरकत से, मां बाप की दुआ की बरकत से अल्लाह ने आपके कारोबार में तरक्की दिया, आप थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सा माल हुआ, माल आने के साथ साथ अब दिल और दिमाग में शैतान वसवसा डालता है और ये सोचता है अमी मेहनत करसी, अमी ओतो कठिन काम करसी, अमी ओतो कष्टो करसी, इता लगी अमी मालदार बनसी। किसकी दुआ से बना, किसकी दुआ से बना, वो सब कुछ भूल जाता है, अब आलिम उलमा को सलाम देना भी छोड़ देता है, किसी बुजुर्ग को देखता है, हाजी साहब को आते हुए देखता है, वो इंतजार करता है कि वो मुझको सलाम देगा, हम उसको सलाम क्यों देंगे। मेरे नौजवानों, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो, अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, अल्लाह ने तुम्हारे साथ रहम का, करम का मामला किया, तुम लोगों के साथ रहम का, करम का मामला करो। अब रहम का, करम का मामला किसके किसके साथ करना है, यहीं पर रुककर मैं एक और बात जो मुझको कहनी थी वो मैं कह दूं, रहम और करम का सबसे ज्यादा हकदार मां बाप है। अगर आप नौजवान हैं और आपके मां बाप, पेरेंट्स जिंदा है, अल्लाह के वास्ते अपने मां बाप के हक को कभी मत भूलिए। मैं उसको तफसील से, डिटेल से बयान इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि हजरत मौलाना मुश्ताक साहब दामत बरकातुहुम ने यह बात आप लोगों के सामने बयान कर दी। दूसरे नंबर पर
आपके रहम का, करम का, दया का, माया का सबसे ज्यादा जो हकदार है वो आपका संतान है, आपका लड़का बच्चा है। हम माल कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि सुबह सुबह फजर के बाद 7 बजे 8 बजे बच्चा स्कूल जाता है, हम सो रहे हैं 9 बजे हम सोकर उठते हैं, जल्दी जल्दी नाश्ता किया, जो कुछ मिला खाने के लिए खाया पिया, अपना व्यवसाय कारोबार बिजनेस में या सर्विस में चले गए, और रात के टाइम में उस वक्त घर आते हैं जब लड़का बच्चा लड़की मैं से ले सब सो चुका होता है, पूरा के पूरा सप्ताह गुजर जाता है, अपने लड़के बच्चे का ख्याल नहीं, अपने लड़के बच्चे पर कोई तवज्जो नहीं और उनकी तरबियत की कोई फिक्र नहीं। मेरे नौजवान साथियों याद रखो, ये जो आयशा का घटना हुआ अहमदाबाद के अंदर और उन्होंने साबरमती में खुदकुशी की, आत्महत्या किया, इसका दो साइड। एक साइड तो ये है कि लड़की है, उनके हस्बैंड ने उनको सताया, दुख दिया, डिमांड किया उसके मां बाप से, गरीब मां बाप था, दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, कष्टों बर्दाश्त से बाहर हो गया तो टेंशन में डिप्रेशन में आकर और उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करना बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल नाजायज और हराम है। हदीस में आया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस दुनिया में खुदकुशी करके मरेगा, और खुदकुशी करना तो दूर की बात, मैं और एक मसला आप लोगों को बता दूं, ये जो हम लोगों का शरीर है, शरीर का एक एक पार्ट, हाथ, उंगली, चेहरा, माथा, इसी तरह से पेट, पैर, पीठ, ये सब के सब अल्लाह की अमानत है, हमारा और आपका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? किताब में बाज़ाब्ता मसला लिखा है, एक मसला सुन लीजिए, याद रखिएगा। मसला ये लिखा है कि एक आदमी अपने शरीर का अगर ब्लड रक्तो बेचना चाहे तो बेच सकता है या नहीं। अपना शरीर, हमारे शरीर के ब्लड का ग्रुप और आपके शरीर के ब्लड का ग्रुप एक है। यदि आपको ब्लड की जरूरत पड़ गई, हमने कहा कि हमको ब्लड है, हम आपको एक पेक ब्लड देंगे और उसके बदले में 10,000 रुपये लेंगे, तो अपना ब्लड और अपना खून, अपना रक्तो पैसा लेकर सेल करना नाजायज है, हराम है। कारण क्या है? ये जो ब्लड है, ये जो खून है, हमारा और आपका नहीं है, हम इसके मालिक नहीं है, ये अल्लाह का है, अल्लाह की अमानत है हमारे पास। हाँ, अगर किसी को गिफ्ट देना है, हदिया करना है, तो आप अपना ब्लड हदिया कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, किंतु सेल नहीं कर सकते। तो खुदकुशी करना शरीयत में नाजायज और हराम है। हदीस में आया कि जो आदमी इस दुनिया में जैसे खुदकुशी करेगा, जैसे खुदकुशी करेगा, मरने के बाद तक, यानी जब वो मर जाएगा उस वक्त से लेकर कयामत तक, अल्लाह ताला उसको बार बार वैसी ही मौत देगा, वही रकम तार मोटा होगा। मिसाल देकर समझाया कि एक जन मानुष अगर चाकू लेकर अपना गला काट लेता है, मरने के बाद कब्र के अंदर अल्लाह ताला उसको चाकू देगा, वो अपना गला काटेगा, फिर मरेगा, फिर अल्लाह जिंदा करेगा, फिर गला काटेगा, फिर वो जिंदा करेगा, फिर वो गला काट कर मरेगा और अबार अल्लाह उसको जिंदा करेगा। हदीस में दूसरी मिसाल और उदाहरण दिया कि अगर पहाड़ के ऊपर से कोई जंप करता है और जंप करके अगर वो मर जाता है, तो मरने के बाद अल्लाह उसके लिए पहाड़ बनाएगा, उसको पहाड़ के ऊपर चढ़ाएगा और वहां से कहेगा तू जंप कर, कूद जा, वहां से कूदेगा, मर जाएगा, अल्लाह जिंदा करेगा, फिर पहाड़ पे चढ़ाएगा, बार 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 ये शास्ति और ये पनिशमेंट उसको मिलता रहेगा, ये पनिशमेंट उसको मिलता। एक आदमी बीष खाकर, जहर खाकर अगर मर गया, तो मरने के बाद उसको जहर दिया जाएगा, वो खाएगा, मर जाएगा, अल्लाह जिंदा करेगा, फिर उसको जहर देगा, फिर खाएगा, मरेगा, फिर अल्लाह जिंदा करेगा, खुदकुशी हराम है। हदीस में आया,
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी ने खुदकुशी किया, आत्महत्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। आपने कहा कि तुमरा गया नमाज पढ़ो, अमी पढ़तम ना। किताबे भितरे मसला साफ लिखा से कि जो आदमी कौम का सरदार है, गांव का सरदार है, और लोग उसके काम को अच्छा काम समझते हैं, मुरब्बी है, बड़े आलिम है, बड़े बुजुर्ग है, बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर है, खुदकुशी करने वाले के जनाजे में ऐसे आदमी को शरीक नहीं होना चाहिए। खैर, एक औरत ने, एक लड़की ने खुदकुशी किया, एक पहलू और एक साइड ये है। दूसरा साइड जो हमारे और आपके लिए है वो ये है कि उन्होंने आत्महत्या और खुदकुशी क्यों किया। वो गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली और उसका शामी और हस्बैंड राजस्थान का रहने वाला, इतना दूर में उसका निकाह और शादी कैसे हुई। एक बड़े आलिम हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब, बड़ो आलिम और बहुत बड़ो बुजुर्ग, को एक बच्चों आगे तैन हो जाए ऐसा रहमत नगर जलसे में भी आए थे। तैन खुशन उन्होंने तहकीक किया, पता ये चला कि असल में आयशा नाम की जो ये लड़की थी उसका मामा राजस्थान में सर्विस करता था, मामा सर्विस करता था, और जब समर वेकेशन होता था, गर्मी की छुट्टी, लंबी छुट्टी होती थी, स्कूल बंद होता था, तो आयशा अहमदाबाद से राजस्थान अपने मामा के पास जाकर और छुट्टी गुजारती थी, वेकेशन वहीं पर गुजारती थी। वहां रहते रहते, छुट्टियों में टाइम गुजारते गुजारते, वहीं का एक लड़का जिसका नाम आरिफ खान था, बड़ा मालदार, बड़ो मालदार, बड़ा प्रॉपर्टी और दौलत वाला, उसके साथ गलत ताल्लुक, गलत संपर्क हुआ, लव हो गया। बाद में उन दोनों का लव आगे बढ़ा और बिल आखिर दोनों ने मिलकर कोर्ट मैरिज या जैसे भी हो, बहरहाल दोनों ने शादी किया, दोनों ने शादी किया। अब वो आरिफ खान तो मालदार लड़का था, उसने आयशा के मां बाप के संपत्ति के बारे में कुछ उसको पता नहीं था, वो तो ये सोचकर शादी किया था कि ये गुजराती आदमी है, गुजराती आदमी के पास तो पैसा बहुत होता है, मुझको बहुत संपत्ति ससुरबाड़ी से मिल जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये कि आयशा के मां बाप गरीब थे, उतना माल उसके पास नहीं था, वो अपने अपने दामाद के डिमांड को और उसके मुतालबे को कहां से पूरा करता, कभी ये मांगता, कभी वो मांगता, कभी ये डिमांड, कभी वो डिमांड, कहां से ला कर देता। मेरे नौजवान साथियों, डिमांड करते 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 जब आयशा के मां बाप ने उसको माल देना बंद किया, तो अब उस लड़के ने एक दूसरी लड़की के साथ लव किया, दूसरी लड़की के साथ लव किया, और अपनी वाइफ आयशा के सामने उसके साथ वीडियो कॉल करता था और वाइफ को दिखलाता था, देखो ये मेरा नया गर्लफ्रेंड है, मैं इसके साथ शादी करूंगा। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके घर में वाइफ है, अच्छी तरह से जानते हैं कि हर औरत, हर लेडीज, आप अगर उसको खाना कम देंगे बर्दाश्त कर लेगी, कपड़ा कम देंगे बर्दाश्त कर लेगी, किंतु अगर आप उसको ये कह दें कि तुम भी मेरे घर में रहो और मैं तुम्हारे साथ साथ और एक लड़की से मैं शादी करने जा रहा हूं, लड़की कभी इसको बर्दाश्त नहीं करती है। ये टेंशन हुआ और ये डिप्रेशन हुआ आयशा के दिलो दिमाग पर, और जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या किया, खुदकुशी किया। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार 100% जिस तरह से उसका शामी है, उसी तरह से उनका मां बाप भी है। मेरे नौजवान साथियों, अपनी लड़कियों पर नजर रखो, अपनी लड़कियों पर कड़ी नजर रखो। वो स्कूल जाती है, किसके साथ बात करती है, कॉलेज जाती है, उसके मोबाइल में, उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसका किसका नंबर है। अल्लाह के वास्ते, अगर टाइम से पहले आपने चिंता ना किया, वक्त से पहले अगर आपने फिक्र नहीं की, आप तो सोच रहे हैं कि मेरी लड़की को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मेरी लड़की को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मेरी लड़की कभी डीसी बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी। लेकिन ये और वो बने या ना बने,
आपकी पगड़ी को, आपकी टोपी को और आपकी इज्जत को माटी में मिला देगी। अल्लाह के वास्ते खास करके अपनी लड़कियों पर नजर रखो। आज हमारे समाज का हाल क्या हो गया, ये हुकूमत गवर्नमेंट मुसलमानों की दुश्मन गवर्नमेंट, इन्होंने भी इतना कुछ छूट दे दिया, जहां जाओ जिस मुस्लिम समाज के अंदर चले जाओ ऐसा लगता है कि हम मर्दों ने, जेंट्स ने, हम लोगों ने हाथ में चूड़ी पहन लिया और हमने व्यवसाय और बिजनेस करना बंद कर दिया, चाकरी करना बंद कर दिया, हमने अपनी वाइफ को, अपनी मां बहन को बंधन के अंदर, गुट के अंदर शामिल होने की छुट्टी दे दी। अब वो सूद का कारोबार घर के अंदर हो रहा है, इंटरेस्ट का पैसा घर के अंदर आ रहा है, बाइक लेना है तो उन लोगों से जाकर लोन लेते हैं, गाड़ी लेना है बंधन वालों से जाकर लोन लेते हैं, घर घर के अंदर सूद और इंटरेस्ट की वबा और बीमारी आम होती जा रही है। हदीस के अंदर आया जिस समाज के अंदर खास करके दो गुनाह आम हो जाए, नंबर एक जिनाकारी का गुनाह और नंबर दो सूद का गुनाह, जिस समाज में ये दो गुनाह आम हो जाता है, लोग इस पाप के अंदर लिप्त हो जाता है, उस समाज में अल्लाह ताला बड़ी बड़ी बीमारी को पैदा कर देता है, नऊज बिल्ला, बड़ी बड़ी बीमारी को, बड़ो बड़ो बीमारी अल्लाह उस समाज में जन्म दे देता है। आज अगर कोरोना आया तो हम लोग रोना रोते हैं, आज पराय देखा जाता है किसी का किडनी डैमेज हो गया, किसी का हार्ट अटैक अचानक हो जाता है, नौजवान लड़का चलते चलते पता चला मर गया। ये सारी परेशानी, ये सारी मुसीबत इसलिए आ रही है कि हमारे और आपके समाज में गुनाह का काम आम होते जा रहा है। इतना आम हुआ जब से लॉकडाउन लगा, एक और गुनाह और एक पाप और बढ़ गया। आज से पराय डेढ़ दो महीना पहले जमीयत उलमा हिंद दिल्ली के अंदर और दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े असातिज़ा टीचर्स, उन लोगों की मीटिंग हुई और मीटिंग में खास करके नौजुबक के समस्या पर चिंता किया गया। जगह जगह से ये रिपोर्ट आई, कि लॉकडाउन जब से लगा नौजुबक कहीं पर काम करता था, केरल के अंदर, बेंगलोर के अंदर, बंबई के अंदर या दूसरे कंट्री में, लॉकडाउन लगने के बाद सब अपने घर में आ गए, कोई काम धंधा तो है नहीं, अब उसकी दो ही ड्यूटी, दो ही काम रहा। एक काम तो यह है कि सबके हाथ में बड़ा मोबाइल है और अंबानी जी ने मोबाइल का ऐसा सत्यानाश पीटा और नेट को इतना सस्ता कर दिया कि हर आदमी हर टाइम में देखो नेट पे व्यस्त तो रहता है। एक नौजवान दूसरे नौजवान को साथ लेकर कहीं मैदान में पड़ा हुआ है, अकेला कोई ना देखे, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो अकेले में क्या करता है, क्या देखता है। एक काम गुनाह का ये आम हुआ। दूसरा जो गुनाह का, पाप का काम आम हुआ वो ये है कि नौजवान जब डिप्रेशन का, टेंशन का शिकार हुआ तो अपने टेंशन को दूर करने के लिए, अपने दिमाग और मिजाज को हल्का करने के लिए, आम तौर पे जिसने कभी मौत नहीं खाया था वो लोग भी, वो नौजवान भी मौत के अंदर लिप्त हो गए, मौत के अंदर। और अब मौत खाने के लिए बोतल लाने की जरूरत नहीं है, शराब और मौत की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं, आजकल तो नशा की टैबलेट मिलता है, टैबलेट लेकर आया, रात में सोया, किसी ने नहीं देखा, अकेला सोया है, टैबलेट खा के सो गया, सुबह तक में उसका नशा भी खत्म हो जाता है। ये रिपोर्ट आई कहां, जमीयत उलमा हिंद में, दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा और टीचर्स के पास। और आपके हुजाई की भी एक बात बताऊं मैं, हुजाई के आसपास कहीं का घटना, एक बड़े साहब एक दिन बयान कर रहे थे कि एक हिंदू लड़का और एक मुसलमान लड़का दोनों मिलकर कुछ चर्च वगैरह का काम करता था, गांजा वगैरह का कुछ काम करता था। एक मर्तबा एक पुलिस ने पकड़ लिया, दोनों को पकड़ा, दोनों के पास नशा वाला सामान मिला, तो मुसलमान लड़के को दो चार डंडा लगाया और उस नौजवान ने 1000-2000 रुपये पुलिस को दिया, पुलिस ने उसको छोड़ दिया, कहा जाओ बेटा तुम ये काम करो और कोई भी असुविधा होगा तो तुम मुझको कॉल करना, कभी कभी मुझको चाय पानी का पैसा दे देना। हिम्मत बढ़ा दिया, अब 1 लाख का वो काम करता था, आगे 10 लाख का काम करेगा।
और उस हिंदू लड़के को पकड़ के ठीक से उसकी पिटाई किया और कहा, कमबख्त तुम इसी काम के लिए दुनिया में आए हो, तुम्हारा काम गंजा बेचना नहीं है, तुम्हारा काम नशा खाना नहीं है, तुम्हारा काम तो इंजीनियर बनना है, तुम्हारा काम दारोगा बनना है, तुम्हारा काम ओसी बनना है, तुम्हारा काम डॉक्टर बनना है, तुम इस काम को छोड़ो। ठीक से उसकी पिटाई दिया और कहा, आइंदा अगर ये काम करेगा तो और ठीक से पिटाई दूंगा। ये गवर्नमेंट का सौतीला और गवर्नमेंट दो नजर से जो हमको और दूसरी कौम को देखती है, हमारे नौजवान को और सुजुग मिल जाता है और वो ये सब काम में और ज्यादा लिप्त हो रहा है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के वास्ते आप लोग याद रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग शराब पीते हैं मौत खाते हैं, किंतु अगर आपका कोई बंधु आपका कोई दोस्त इस काम में मुब्तला है तो उसको जाकर कम से कम दो बात मेरी तरफ से बतला देना। हदीस की बात है, दो बात, बात तो लंबी होगी, मैं सिर्फ दो बात बतलाऊं। नंबर एक, ये जो मौत है शराब है, हदीस में आया ये उम्मुल खबाइस है, समस्तो पापिर मां, समस्तो पापिर बुनियाद और जोर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दिया पहले जमाने की और बतलाया, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में यहूदियों के अंदर, बनी इसराइल के अंदर एक जन बड़ो बुजुर्ग मानुष असला, बड़ो बुजुर्ग अल्लाह वली, बहुत बड़ा अल्लाह का वली था, और उसी गांव के अंदर एक लेडीज थी, महिला थी, और वो एक नंबर का सुंदर देखने में, उनका शामी नहीं था, कहीं चला गया था। तो वो जो औरत थी उनार शामी बाड़ी ना, तन दिलेर भीतरे ख्याल आए लो कि ये जो बुजुर्ग है हम इससे पाप का काम कराएगा, थी रकम पापेर का जो तो की रकम पापेर का जो तो उस लेडीज ने बुजुर्ग के पास एक आदमी को भेजा और कहा, जाकर उस बुजुर्ग से कहो कि अमार बाड़ीर भीतरे एक ता जरूरी काम, जे रकम खतम फोड़ते लागे, थोड़ा झाड़ फूक करते लागे, हाँ पानी में दम करना है, कोई एक छोटा सा काम है, बुजुर्ग को मेरे घर में बुला कर लाओ। वो गया, जाकर अल्लाह के वली से कहा कि एक जन बेटी मानुष बड़ो दुखी तो बड़े प्रॉब्लम में है, थोड़ा अपने उनार बारी सलूक का। तो वो अल्लाह का वली था, आए उनके घर में। जब उस औरत के लेडीज के घर में वो आए, जितना गेट था सारा गेट अंदर से बंद करवा दिया और उस बुजुर्ग को अपने रूम में ले जाकर बिठाया। बाद में वो बेटी मानुष, हदीस की बात, बाद में वो बेटी मानुष खूब सुंदर बनके मेकअप करके और आधा शरीर में कपड़ा और आधा शरीर नंगा, ये शकल सूरत और रूप इख्तियार करके और अपने रूम में आई। अल्लाह का जो वली था, बुजुर्ग था, उसने कहा, रे तुम्हार की काफोरेटा, हाँ तुम्हें देखो ना, तुम्हार बाड़ी एक जन अल्लाह वली बुजुर्ग मानुस, तुम्हें की रुकम आईसो, जाओ और कपड़ा पहन के पर्दा करके आओ। हे बेटिए कोयलो के हुजूर, आपने जो अमार बारिश आई सोन कीता लगी आई सोन आपने जान रानी बोला ना, हमारे तो कोई सोन के अपनार बारिश कीता खत्म फोड़ते लगे, बस थोड़ा पानी उन्हें दम फोड़ते लगे, वही कारण है हमी आईसी। बेटिए कोयलो ना, अमार बारिश ओई रकम कोनो काम ना, कोनो अपनार दरकार ना, अपने अल्लाहर वली अपनार खासे तीनटा ऑप्शन आसे, तीनटा ताकि एकटा काज करते लगबो, आप अगर एक काम भी नहीं करोगे तो मैं चीख चिल्लानी दूंगी, आवाज करूंगी, गांव के लोग आएंगे और मैं सबके बीच में कहूंगा एक ही रकम अल्लाहर वली अमार बारित रेप कोरार जुन्ने आयसोन, मैं आप पर इल्जाम लगाऊंगी, आपको बेइज्जत कर दूंगी। हे बुजुर्गे कोई लोग के ओई रकम करियो ना, हमारे सारो अमी जाइमु गया, अल्लाह वास्ते हमारे सारो अमी जाइमु गया। वो बेटी, उसके दिमाग पर शैतान सवार था, उसने कहा बिल्कुल नहीं, आप मेरे कमरे से, मेरे रूम से, हमारे घर से आप नहीं निकल सकते हैं, तीन ता ऑप्शन आसे,
एक नंबर ये देखो शराब है, मौत है, या तो आपको मौत खाना पड़ेगा। नंबर दो, ओ अमार बारी एक जन सेले आसे बारो बच्चों दोस्त बच्चों बयोश, ये चाकू है, जाकर आप उसको जबह कर दो, कत्ल कर दो। और यदि ये काम भी नहीं करते हो तो तीसरा काम ये है कि हमी कुतो सुंदर अपनर बीवी अपनर वाइफ अमार लखन सुंदर नाय अपने अमार संगे खराब काज करो। तीन काम है, तीनों काम में से कोई एक काम करना है। उस बुजुर्ग ने कहा नारे वाह हमारे वही रुकम, आप हमसे ये काम मत करवाओ। वो औरत जिद कर रही है, जिद कर रही है। बाद में बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा चलो मैं थोड़ा सा शराब पी लेता हूं, मौत खा लेता हूं, नशा उतर जाएगा, अल्लाह से तौबा करूंगा, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करेगा। मेरे नौजवान साथियों, हदीस में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने मौत खाया था छोटा पाप और छोटा गुनाह समझ के, जब मौत खाया और पूरा शरीर में नशा फैला तो बाद में उसके दिल में ख्याल आया, शैतान ने वसवसा डाला, गुमराह किया, और वो बेटी सुंदर औरत जो वहां पर थी उसके साथ गलत काम किया। बाद में दिल में ख्याल आया कि मैं तो मौत भी खा लिया, मैंने उसके साथ जिना भी कर लिया, ये जो लड़का है ये तो गांव में जाकर हल्ला करेगा, ये तो हमको बेइज्जत और बदनाम कर देगा। बाद में चाकू लिया और उस लड़के को भी जाकर जबह कर दिया। गुनाह का तीन काम था, अगर वो मौत नहीं खाता तो शायद गुनाह का तीनों काम नहीं करना पड़ता, छोटा गुनाह समझ के उसने ये काम किया था। इसी कारण अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत ये उम्मुल खबाइस है, समस्त पापिर बुनियाद, समस्त पाप की जड़ है। एक नंबर ये बात। दूसरी बात, एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं फुज़ैल इब्ने अयाज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक घटना लिखा और उन्होंने फरमाया कि एक नौजवान लड़के का मेरे साथ कुछ संपर्क था और वो नौजुबक से ले कोनो कोनो टाइम में सप्ताह दस दिन में कभी कभी थोड़ा मौत खा लेता था, शराब पी लेता था। इत्तेफाक से उसका किडनी डैमेज हो गया, मरने के करीब हो गया। उसके मां बाप ने मुझको खबर दिया, मैं उसके बाड़ी में गया, घर में गया और जाकर उस नौजवान को कलमा की तलकीन किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मैं पढ़ रहा हूं, वो मरने वाला है। उसने साफ कह दिया, हुजूर अमी कलमा पढ़तम ना, नौज़ बिल्ला अमी कलमा पढ़तम ना, और बगैर कलमा पढ़ के वो इस दुनिया से चला गया। मरने के बाद उसको ख्वाब में देखा, फुज़ैल इब्ने अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि कोई आदमी उसको पकड़कर, फरिश्ता उसको पकड़कर और जहन्नम में लेकर जा रहा है। फुज़ैल इब्ने अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से कहा, खाबिर बितरे सपना बितरे, के मरने के टाइम मैंने तुमको कलमा पढ़ने के लिए कहा था, तुम यदि कलमा पढ़ लेता तो आज तुमको जन्नत मिलती, जहन्नम में नहीं जाना पड़ता, तुम्ही कलमा फोड़ला ना किताला दी। मेरे नौजवान साथियों, उस नौजवान ने कहा कि हुजूर असल बात यह है कि जब आदमी मौत पान करता है, शराब पीता है, तो अल्लाह ताला मरने के टाइम में उसको कलमा नसीब नहीं करता है, कलमा नसीब नहीं करता है। और जो आदमी बगैर कलमा के इस दुनिया से चला जाए, अल्लाह ही बेहतर जानता उसका ठिकाना कहां होगा। इसलिए अपने आप को मौत से शराब से बचाओ, मौत से शराब से बचाओ। तो मैं ये कह रहा था कि वह अहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक, के लोगों पर भी एहसान करो। किसके किसके ऊपर? अपने माँ बाप पर एहसान करो। किसके ऊपर एहसान करो? अपने संतान के ऊपर, और संतान के ऊपर अपनी औलाद के ऊपर, लड़के बच्चे पर एहसान करने का मतलब यह है कि उसको दीनदार बनाने की फिक्र करो, चिंता करो। हदीस शरीफ के अंदर एक घटना बयान किया गया, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास एक पेरेंट्स माँ बाप आए और आकर कहा, हुजूर अमार सेले अमार खोता माने ना, अमार सेले अमार खोता माने ना, मैं सेले को पैसा देता हूं कि तुम्हार अम्मा बीमार, तुम्ही जाओ और मेडिसिन लो आओ, औषध लो आओ। वो मार्केट में जाता है,
जाकर शराब पीकर मौत खाकर आता है। मैं अपने लड़के को पैसा देता हूं कि बाड़ी भीतरे सब्जी ना आए, तुम सब्जी लेकर आओ। वो बाजार जाता है, जुआ खेल कर आता है, कोई ना कोई पाप का काम करके आता है। हुजूर हमको विचार चाहिए, हमारा लड़का हमारा सिले हमारा बात क्यों नहीं मानता, हमको विचार चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, तुम अपने लड़के को अपने सिले को मेरे पास लेकर आना। सप्ताह दस दिन पूरे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो आदमी अपना लड़का लेकर आया। मेरे नौजवानों, खास करके जिसकी शादी हो गई, जिसकी औलाद है, वो गौर से सुने, शादी होने वाली है वो भी ध्यान से सुने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नौजवान लड़के से कहा कि बाबा तुम्ही तुम्हार बाबर कुता मानो ना की तलगी, तुम अपने मां बाप का फरमा बरदारी और उसकी बात को क्यों नहीं मानता है? तो उस नौजवान ने जो उत्तर दिया, बहुत ताज्जुब की बात, उसने कहा कि हुजूर अमार बाबर अमार ऊपरे हक आसे, निश्चय हक आसे, किंतु अमार अमार मां बाबर ऊपरे हक आसे की ना। मां बाप का तो हम पर हक है कि हम उसके साथ अच्छा सलूक करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, अमार किच्चू हक आसे की ना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस पढ़ के सुनाया और कहा कि तुम्हारा हक है, हक यह है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वुलिद लहु वलदुन फलयुहसिन इस्महु व अदबहु। तुम्हार एक नंबर हक यह है कि जब बारी में बच्चा पैदा हो, जन्म ले, किसी के घर में लड़का बच्चा जब पैदा हो जाए तो उस बच्चे का एक नंबर हक यह होता है कि उसका सुंदर नाम रखा जाए, सुंदर सा नाम रखा जाए, इस्लामी नाम रखा जाए। आजकल नेट का जमाना है, नेट में सर्च करता है और जो अच्छा लगता है वो नाम रख लेता है, वो नाम रख लेता है। मेरे नौजवानों, अल्लाह के वास्ते नेट पर भरोसा मत करो, नेट पर भरोसा मत करो। कुरान और हदीस में अच्छे अच्छे नाम हैं, आलिम उलमा से पूछ कर अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम रखोगे इंशाअल्लाह उस अच्छाई का असर आपके बच्चे के अंदर पैदा होगा। हमारे मदरसे में एक लड़का आया, उसका नाम मुकुट अली। अरे भाई ये क्या नाम मुकुट अली। एक लड़का आया, उसका नाम कसबूतत तब यूनुस। ये क्या नाम है कसबूतत तब यूनुस। हमारे मदरसे में एक मौलाना साहब, उसने बताया कि एक आदमी ने कहा कि हुजूर हमने अपने लड़के का नाम रखा तुकत जिबान। अरे भाई तुकत जिबान क्यों रखा, तो हदी कुरान के अंदर आया है, पबी अय्या आला रब्बिकुमा तुकत जिबान, इसीलिए मैंने तुकत जिबान रखा। का तुकत जिबान का माने मालूम है, तुकत जिबान का मतलब है झूठ बोलने वाला। तुम्हारा लड़का पूरी जिंदगी झूठ बोलेगा, पूरी जिंदगी झूठ बोलेगा। कुरान में देखा लिखा हुआ है कारून, बेटे का नाम रख दिया कारून। कुरान में देखा लिखा हुआ है फिरौन, बेटे का नाम रख दिया फिरौन। अल्लाह के वास्ते अपने बेटे का, अपने बच्चे का सुंदर नाम रखो, बच्चे का एक नंबर हक। नंबर दो, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि दूसरा हक यह है कि वल युहसिन अदबहु। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, चार साल पांच साल सात साल उसकी उम्र हो जाए, तो उसके दीनी शिक्षा का, उसके इस्लामी तरबियत का, बेसिक जो बुनियादी जो दीनी शिक्षा है उसका इंतजाम करे। मकतब में पढ़ने के लिए भेजे या घर के अंदर किसी मौलाना साहब को ट्यूटर के हिसाब से रखकर, और बिल्कुल बेसिक जो इस्लामी शिक्षा है अल्लाह के वास्ते वो दिया जाए। बच्चे का अगर अदब नहीं सिखाया जाए, इस्लामी तरबियत नहीं की जाएगी, तो बाद में चलकर वो कभी भी अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए अच्छे ट्यूशन का या अच्छे मकतब का, इस्लामिक जो बेसिक एजुकेशन है उसका सुविधा और उसका इंतजाम किया जाए। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक घटना लिखा है, बड़ा अजीब घटना लिखा है, सुनो और उस पर अमल करो इंशाल्लाह। हजरत ने लिखा कि अपनी तफसीर की किताब में, जहां अर रहमान रहीम की तफसीर लिखा, उसमें फरमाया कि अल्लाह का नाम लेने से, बच्चा जब अल्लाह का नाम लेता है तो उसके मां बाप से अल्लाह ताला अजाब को,
शास्ति को, जहन्नम के आगुन को अल्लाह खत्म कर देता है। हजरत ने फरमाया कि बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक आदमी, उसके घर में उसकी बीवी गर्भवती थी और डिलीवरी से पहले बाप यानी आदमी मर गया। मरने के बाद अब अल्लाह ताला ने उसके कब्र के अंदर उसको अजाब में मुब्तला कर दिया, अजाब में मुब्तला किया। एक बुजुर्ग उनके कब्र से गुजर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनके सामने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे ही में शायद घटना है, वो उधर से जा रहे थे, अल्लाह ताला ने कब्र की हालत को टीवी के तरह, स्क्रीन के तरह उनके सामने पेश कर दिया। देखा कि जो आदमी कब्र में है उसको अजाब हो रहा है, उसको शास्ति मिल रहा है। फिर कुछ दिन के बाद जब उधर से वापस आए तो आकर देखा कि वो आदमी का अजाब खत्म हो गया, शास्ति खत्म हो गया और माशा अल्लाह बिल्कुल जन्नत का मजा उसकी कब्र में आ रहा है। जाकर तहकीक किया, मालूम किया तो पता चला कि उसके घर में जो बच्चा था, जिस दिन उसका बच्चा मकतब में गया और मकतब में जाने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना आरंभ किया, अल्लाह ताला ने कहा कि जिसका बच्चा मेरा नाम लेगा मैं उसके बाप को कैसे शास्ति दे सकता हूं और कैसे उसके बाप को कब्र की अजाब दे सकता हूं। अल्लाह ताला ने अपने नाम की बरकत से उसके अजाब को खत्म कर दिया। तो अपने लड़के बच्चे को दीनी शिक्षा देने की पूरी कोशिश। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि हुजूर जलालिया से आए तो हुजूर के कहने का मतलब है कि सबको आलिम फाजिल मौलाना हाफिज कारी ही बनाया जाए। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं। ठीक है, बीच बीच में किसी को आलिम हाफिज भी बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, लेकिन दीन का जो बुनियादी सिक्का है ये तो 100% अपने बच्चों को सिखलाओ। अगर नहीं दोगे दीन का सिक्का तो मरने के बाद वो बच्चा आपकी कब्र पे जाकर कभी फातिहा नहीं पढ़ेगा, कभी भी आपके लिए इसाले सवाब नहीं करेगा। नंबर दो, फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फइन बलगा फलयुज़व्विजहु, कि बच्चा जब जवान हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए, अब उसकी शादी का टाइम आ गया और उसका उम्र भी हो गया, हिंदुस्तान के नियम के हिसाब से लड़की का उम्र 18 साल, लड़के का उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए। जब इतना उम्र हो जाए तो मां बाप को चाहिए कि उसका निकाह कर दे, उसकी शादी कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बच्चा शादी की उम्र को पहुंच गया और इसके बाद भी उसका मां बाप शादी नहीं कराता है और लड़का से लड़की से कोई मिस्टेक हो जाता है, किसी के साथ गलत संपर्क हो जाता है, लड़का ने किसी को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया, लड़की ने किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और उसके साथ होटल में जाकर रात गुजारता है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो गुनाह और ये जो पाप उसका संतान, उसकी औलाद करेगा, इसका पूरा वबाल और इसकी पूरी सजा उसके मां बाप को दी जाएगी, मां बाप को मिलेगी। आज हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा, अरे अभी तो 22-23 साल उम्र ही हुआ, अभी तो कुछ कमाता भी नहीं है, कुछ कमाएगा। हमारा नौजवान भी ये कहता है कि हुजूर दुआ करो का अमी बिजनेस आरंभो कुर्सी, थोड़ा बिजनेस हो ले, इंशाल्लाह बाड़ी बनाएमू, गाड़ी लोएमू और बादे ब्याह करूं, बाद में शादी करेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया, आपने कहा अजबन लिमन यबतगिल गिना बिदून ज़िवाज, बड़ो ताज्जुबिर होता, बड़ो ताज्जुबिर होता, खार लगी। आपने कहा उस नौजवान के लिए ताज्जुब की बात है जो शादी से पहले बिया के आगे मालदार बनना चाहता है, बहुत ताज्जुबिर होता। अरे अल्लाह का बंदा, पहले शादी करो, शादी करने के बाद जब तुम्हारा खर्च बढ़ जाएगा, खर्चा ज्यादा लगेगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में रहमत बनकर आएगी और अल्लाह ताला तुम्हारे व्यवसाय के अंदर बरकत देगा, कारोबार को अल्लाह लंबा चौड़ा कर देगा।
हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बयान किया, वो जो नौजवान लड़का था उसने कहा कि हुजूर ये मेरे माँ बाप हैं, आप इनसे पूछिए मेरे बाप ने जो निकाह किया, ये जो मेरी माँ है ये एक बाजारी औरत है, ये बाजारी औरत है, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितने मर्द ने, कितने बेटा मानुष ने इस औरत के साथ गलत काम किया। अपने माँ बाप के सामने वो नौजवान लड़का हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु की मजलिस में ये कह रहा है, बाद में कहा कि हुजूर जब मेरा जन्म हुआ इस्लामी नाम रखना चाहिए, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल अजीज, मोहम्मद, अहमद, इस तरह से, लेकिन मेरे बाप ने मेरा नाम क्या रखा, मेरा नाम रखा जोल, जीम ऐन लाम, जोल। जोल का माने डिक्शनरी में लिखा हुआ है, आपकी जबान में उसको बोलते हैं किरमी, किरमी। हुजूर अमी मानुष नहीं, अमी एक जन किरमी, अमी तो जानी ना मैं क्या हूं, मेरा नाम इतना गंदा रखा, इतना खराब रखा। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मेरे स्कूल जाने का टाइम, मदरसा मकतब जाने का टाइम, एक दिन भी मेरे माँ बाप ने मुझको पढ़ने के लिए नहीं भेजा, बल्कि मैं चोरी करता था, मैं जुआ खेलता था तो मेरी माँ खुश होती थी, मैं पैसा लाकर देता था माँ को, खुश होती थी कि आज के हमारे सेले इतना चोरी किया और चोरी करके लाके दिया, आज हम मांसो खाएगा, मुर्ग खाएगा, मांस खाएगा। तो मेरे माँ बाप ने मेरा कोई हक अदा नहीं किया, मैं अपने माँ बाप का हक कैसे अदा करूं, कैसे अदा करूंगा। मेरे नौजवान साथियों, इसलिए अल्लाह के वास्ते एहसान करो, किसके साथ, अपने लड़के बच्चे के साथ एहसान करो। आखिरी एहसान बतलाकर अपनी बात में मुख्तसर कर दूंगा, आखिरी एहसान जिसके ऊपर करना है वो अपनी बीवी के ऊपर एहसान करो, बीवी के ऊपर एहसान करो। बहुत मर्तबा ऐसा होता है नए घर से दुल्हन आती है, सास ससुर के बाड़ी में आने के बाद उसको चैन और सुकून नहीं मिलता है, चैन और सुकून नहीं मिलता है। मैं एक नौजुबक का घटना हदीस के अंदर आया उसको सुनाऊं, और आप लोग वो सुनकर और उसके बाद नसीहत हासिल कीजिएगा। घटना यह है कि एक नौजवान था, हदीस में आया, वो नौजवान बड़ा पापी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जो नौजुबक बड़ो पापी, पाप का सारा काम वो करने वाला। एक दिन किसी ने उसको बतलाया कि तुम्हारे गायबाने में तुम्हार बारी तुम्ही ना आए, तुम्हार वाइफ तुम्हार बीवी इखला। एक नौजवान लड़का आया और तुम्हारी वाइफ ने उसके साथ गलत काम किया, नाजायज काम किया। अब जब उस नौजवान को बताया तो उसका पारा, दिमाग गर्म हो गया, हाथ में डंडा लिया और कहा कि आज मैं अपनी वाइफ की पिटाई करूंगा और बाद में इसको तलाक देकर छोड़ दूंगा। अपनी वाइफ को बुलाया, डंडा लिया था मारने के लिए, उसी टाइम में उसकी वाइफ ने कहा, फोन आ गया, वन मिनट। तो वो नौजवान अपनी वाइफ को बुलाया, हाथ में डंडा लिया है मारने के लिए, उसकी वाइफ ने कहा, पैर पकड़ कर कहा कि अपने अमार स्वामी कोनो दिन अभी भूल कुर्सी ना, आज के भूल हुई से शैतान आया, हमारे वसवसा दी से गुमराह किया, मुझसे गलती हो गई, मैं आपका पैर पकड़ती हूं, अल्लाह के वास्ते मुझको माफ कर दीजिए, और कोनो दिन ओरकम अमी पापेर काज करमो ना, कोनो दिन ओरकम भूल करमो ना। रो रो कर, रो रो कर उसने अपने शौहर से, अपने स्वामी से माफी मांगा। तो उस नौजवान के दिल में ख्याल आया कि भाई आज मेरी वाइफ ने एक पाप का काम कर लिया, गलत किया, अभी तो डेली पापेर काज पूरी, नमाज नहीं पढ़ते हैं पाप का काम, मौत खाते हैं पाप का काम, जुआ खेलते हैं पाप का काम, दूसरे का माल हक मार कर खाते हैं ये भी पाप का काम, मुझको तो किसी ने शास्ति नहीं दिया, मुझको तो किसी ने आज तक सजा नहीं दिया। उनके दिल में ख्याल आया और उन्होंने कहा, जाओ ठीक है, मैंने तुम्हारी गलती को, तुम्हारे भूल को अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया, माफ कर दिया। वो नौजवान कयामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्ता से कहेगा, ऐ फरिश्ता, ये जो नौजवान है तुम इसको लो और जाकर इसको जन्नत में दाखिल कर दो, जन्नत में दाखिल कर दो। फरिश्ता लेकर जाएगा, कुछ दूर जाने के बाद वो नौजवान कहेगा,
ओ फरिश्ता मुझको कहां ले जा रहे हो? फरिश्ता कहेगा अल्लाह कोई से कि तुम्हारे जन्नतों दीताम, मैं तुमको जन्नत में लेकर जा रहा हूं। वो नौजवान कहेगा ना तुम्हार हुनर भूल, इसे तुमसे सुनने में गलती हुई, अल्लाह मुझ जैसा पापी को महापापी को जन्नत में देगा ना, अल्लाह ने दौजक में जहन्नम में देने के लिए कहा, शायद तुमसे सुनने में गलती हुआ, जाओ अबार अल्लाह फसे गया जिकाओ अल्लाह ताला अमार जुन्ने किता फैसला कर सक। फरिश्ता कहेगा यार तुम अजीब आदमी है, मैं फरिश्ता हूं, मैं कोई इंसान नहीं हूं कि मुझसे भूल होती है, चलो जन्नत चलो मैं तुमको जन्नत में लेकर जाऊंगा। लेकिन वो नौजवान फिर कुछ दूर आगे जाकर कहेगा ना अमर विश्वास ना अमर यकीन आते सेना, अल्लाह ताला मुझ जैसा पापी आदमी को भी जन्नत में देगा ना, अल्लाह वास्ते तुम ही जाओ और जाकर अल्लाह से पूछो। फरिश्ता आएगा अल्लाह के पास, आकर कहेगा ओ अल्लाह अपना बंदा तो अजीबो गरीब, हर आदमी जन्नत में जाने के लिए परेशान, किसी तरह से कोनो रकम हमरा जन्नत जायतम कोनो रकम जन्नत पाइतम, ये आपका कैसा बंदा है मैं जन्नत में लेकर जा रहा हूं ये जाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह कहेगा उसको बुलाओ, बुलाएगा अल्लाह ताला पर्दा करेगा, पर्दा के एक साइड में वो नौजवान होगा और दूसरे साइड में अल्लाह होगा। अल्लाह पूछेगा ए नौजवान मैंने तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला किया, तुम्हें जन्नत हो जाते राधी ना किता लगी, जाओ ना किता लगी, हे नौजुबा कोई बो ए अल्लाह मुझ जैसा पापी आदमी भी क्या जन्नत में जाएगा, आपने मुझ जैसे पापी आदमी के लिए भी जन्नत तैयार किया है। अल्लाह कहेगा ए मेरे बंदे मुझे 100% 100% तुम्हार जीवन समस्त होता याद आसे, अमार सामने टीवी राखान तुम्हार समस्त होता आसे, तुम्हार नामे आमालेर भित्रे एकता एकता अमल बिल्कुल लिखा आसे महफूज आसे, किंतु तुम्ही जानो नहीं तुमको मैंने जन्नत में देने का फैसला किया, इसका कारण क्या है तुमको पता है? वो नौजवान कहेगा कि ए अल्लाह अमार जिंदगी तो एक तो नेकी नाय, अमार जिंदगी एक तो सवाबेर काम नाय, मुझे तो कुछ पता नहीं मुझको क्यों जन्नत दी जा रही है। अल्लाह कहेगा ए नौजवान तुम अपनी बीवी का घटना याद करो, तुमने अपनी बीवी के गलती को माफ किया था, तुमने अपनी बीवी को डंडा नहीं मारा था, तुमने अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा किया किंतु तुमने तलाक नहीं दिया, मेरी एक बंदी के ऊपर तुमने एहसान किया, मैंने इसी कारण तुम्हारे ऊपर एहसान किया और तुम्हारे समस्त पाप को माफ करके तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। अल्लाह के वास्ते अपनी बीवी के साथ एहसान करो, अच्छा मामला करो। नंबर तीन क्या क्या कहा, वब्तगी फीमा आताक अल्लाह दारल आखिरा वला तंसा नसीबक मिन दुनिया वअहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्ज। चार नंबर नसीहत अल्लाह ताला ने जो किया है ये आखिरी बात है और इंशाअल्लाह मैं अपना बयान भी खत्म कर दूंगा। वो नसीहत ये है कि जब आदमी के पास माल नहीं होता है, गरीब आदमी है, वाज में भी आया तो एक साइड में बैठेगा, चलो भाई कहीं जगह मिल जाए बैठ जाओ, मस्जिद में कमेटी की मीटिंग हो रही है एक साइड में बैठेगा कि हम मीटिंग सुनेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इमाम साहब ने कभी अगर कोई भूल कर दिया तो उसके भूल को भी नहीं पकड़ेगा, अमी छोटो मानुष अमी किचू कोयले जानी ना किता हो नहीं पकड़ेगा। अल्लाह जब उसको माल देता है, माल देने के साथ साथ माल की गर्मी शरीर के अंदर पैदा होता है, मालेर गर्मी शरीर भीतरे पैदा हो और आहिस्ते 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 वो नाफरमान होने लगता है और वो फितना फसाद पैदा करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, कजिया पैदा करता है, मस्जिद में जाएगा वहां भी किसी न किसी बात के ऊपर झगड़ा, कभी मुअज्जिन की डटाई, हाँ आज के सख्त सीधा हो लो ना, ये तुमने जो जानमाज बिछाया ये भी सीधा नहीं बिछाया, इमाम साहब को कभी गाली दे रहा है, इमाम साहब एक समय से एक मिनट बेसी हो गया, कहां रहते हैं आप, नमाज के टाइम में नहीं आते हैं, सिक्रेटरी के साथ झगड़ा करेगा, सदर के साथ कजिया लगाएगा, बाड़ी के अंदर अपने मां बाप के साथ झगड़ा करेगा,
اے نوجوانو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا, تھوڑا بہت اگر آپ کو مل گیا, اس مال کی کیا حیثیت ہے, کیا حیثیت ہے اس مال کی؟ حدیث کے اندر آتا ہے, مسلم شریف کی روایت, ابھی چار پانچ دن پہلے میں نے وہ حدیث پڑھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ دنیا کی حقیقت کتنی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی سمندر میں دریار بترے اپنا انگلی داخل کرتا ہے پانی میں اور اس کے بعد نکالتا ہے, یہ پانی کا جتنا انسو اس کے انگلی میں آئے گا پورا دنیا کا مال دولت سمپتی گھور باڑی گاڑی سارا کے سارا, اللہ نے کہا کہ میری نگاہ میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا پانی تمہارے ہاتھ میں آیا. کیا ہے مال, کیا ہے دولت؟ آج ہے کل ختم. آپ 1 کروڑ کے مالک ہو گئے, اللہ نہ کرے کوئی مہلک بیماری ہو جائے گی, کوئی خطرناک بیماری ہو جائے گی, آپ چلے گئے چنئی, ویسے نہیں جا سکے تو آپ نے چارٹر فلائٹ کر کے آپ گئے, وہاں جا کر 10 دن 20 دن آئی سی یو میں رہے, ایک کوٹی بھی خرچہ ہو گیا, رین بھی لیا, لون بھی لیا, بعد میں اللہ تعالی نے موت دے دی, سارا پیسہ بھی گیا اور الٹا قرض بھی ہو گیا. میرے نوجوانوں, اللہ جب مال دیتا ہے مال کا شکریہ ادا کرو, مال آنے کے بعد کبھی بھی فتنہ فساد والا کام مت کرو, کبھی لڑائی جھگڑا والا کام مت کرو, نہیں کرو گے اچھا کام کرو گے اللہ مال کے اندر برکت دے گا. میری بات یہاں پر ختم. 4 نصیحت. نمبر 1, پھر سے میں ایک دم دہرا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو قرآن میں 4 نصیحت کی, وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. نمبر 1, اپنا مال کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نمبر 2, ولا تنس نصیبک من الدنیا. مال کمانے میں, حلال طریقے سے مال کمانے میں سستی کوتاہی مت کرو, اللہ جتنا دے رہا ہے حلال طریقے سے سب لو سب کماؤ. نمبر 2. نمبر 3, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تم کو اگر مالدار بنایا تو غریبوں پر تم احسان کرو, اپنے ماں باپ پر, اپنے بیوی بال بچوں پر رحم کرو اور احسان کرو. اور نمبر 4, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. مال ہونے کے بعد زمین میں فتنہ فساد لڑائی جھگڑا نہ کرو, میل محبت کے ساتھ زندگی گزارو. اخیر میں 1 منٹ میں ایک پیغام, ایک میسج آپ لوگوں کو دے کر اپنی بات ختم. سامنے الیکشن ہے آپ کے یہاں, 1 اپریل کو الیکشن ہے, کس کو ووٹ دینا ہے نہیں دینا ہے وہ میں کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں, ہم لوگوں کا یہ کام نہیں ہے, ہمارا یہاں ووٹ بھی نہیں ہے. البتہ پچھلے 5 سال کو اور 5 سال کے آسام کی حالت کو اپنے سامنے رکھ کر اگلے 5 سال کے لیے اپنا گورنمنٹ اور اپنا سرکار چنیے گا, سلیکٹ کیجئے گا, اپنے ووٹ کو برباد نہیں کیجئے گا. اور ڈیلی آج کے بعد سے لے کر 2 مئی تک اللہ کے واسطے ڈیلی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے, جو ٹائم 24 گھنٹے میں مل جاتا ہے نفل کی 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیے, جو سورت آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیے. اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کیجئے کہ دعا کیجئے, اور دعا میں خاص طور پہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا, اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اے اللہ ہمارے اوپر ایسے منتری منسٹر کو آپ مسلط نہ کیجئے, اے اللہ ایسے آدمی کو ہمارا منتری منسٹر نہ بنائے, ایسے آدمی کو ہمارا منتری منسٹر نہ بنائیے جو ہم پر ظلم کرے. ظلم کرنے والے کو ہمارا ایم پی ایم ایل اے منسٹر اور منتری نہ بنائیے جس کے دل میں دیا ہے, میا ہے, اسلام اور مسلمانوں کی محبت جس کے دل میں ہے, مسجد اور مدرسے کی چنتا اور فکر جس کے دل میں ہے. اے اللہ ایسے ہی لوگوں کو ہمارا منتری بنائیے گا, منسٹر بنائیے گا, ایم پی ایم ایل اے بنائیے گا. یہ دعا کرتے رہیے, اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. جتنی باتیں کہی گئی ہے اللہ تمام باتیں